नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एबी साठे वेलकम सगळ्यांचं स्वागत करतो आजच्या या इंडस्ट्रियल एसी मशीनच्या 43व्या लेक्चर मध्ये. सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये इक्वालंट सर्किट पाहिलं होतं सिंक्रोनस मोटरचं, राईट? तर इक्वालंट सर्किट आणि त्या अगोदर आपण मेथड ऑफ स्टार्टिंग आणि वाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग असे तीन पॉइंट लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केले होते, राईट? तर हे इक्वालंट सर्किट आपण ऑलरेडी पाहिलेले सिंक्रोनस मोटरचं. याच्यामध्ये हे सप्लाय व्होल्टेज आपलं, हा आर्मेचरचा करंट आहे आय ए, आर्मेचरचा रेजिस्टन्स आर ए, सिंक्रोनस रिएक्टन्स एक्सेस, ई इज द इंड्यूस ई एम एफ, देन ही दिस इज द फील्ड वाइंडिंग. या फील्ड वाइंडिंग मधून इथे एक रिहोस्टॅट कनेक्ट केलेला आहे आपण, त्याच्यामधून जो करंट फ्लो होईल तो आपण डिनोट केला आय एफ न, आणि हा एक्सटर्नल डीसी सोर्स असणार आहे आपला. इथे एक वेक्टर डायग्राम दाखवली होती आपण, फेजर डायग्राम ज्याला म्हणतो आपण. हा सप्लाय व्होल्टेजचा फेजर आहे, त्याच्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये आपण आय एचा फेजर दाखवला होता पाय एवढ्या अँगल न, ठीक आहे? नंतर हा ईबीचा फेजर आहे आपला, हा आय ए एक्सेसचा फेजर आहे, आय ए एक्सेसचा फेजर आहे, हा आय ए एक्सेस चा फेजर आहे, हा आय ए झेडीएस चा फेजर आहे, सॉरी, हा आय ए झेडीएस चा फेजर आहे, हा आय ए एक्सेस चा फेजर आहे, आणि हा आय ए आर ए चा फेजर आहे, ठीक आहे? तर ही फेजर डायग्राम आपण लास्ट क्लास मध्ये डिस्कस केली होती, क्लिअर आहे? जो अँगल होता है आपका ईबी एंड व्ही में, ठीक आहे, ये आपका ई बी का फेजर है और ये आपका वी का फेजर है, तो इसमें जो एंगल रहेगा ये रहेगा आपका अल्फा, इसको बोलते हैं हम लोड एंगल और पावर एंगल, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हम, वो है आपका पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर. यहाँ पे ये इक्वलेंट सर्किट दिया है फिर से एक बार, और ये फेजर डायग्राम दिखाइए. सो द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज नेग्लिजिबल. जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है आपकी सिंक्रोनस मोटर का, वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू इट्स सिंक्रोनस रिएक्टन्स, ठीक है? म्हणून इथं आपलं जे इक्वालंट सर्किट आहे त्याला मॉडिफाय केलं आपण, इथला जो आर्मेचरचा रेजिस्टन्स आहे तो आपण काढून टाकला, ठीक आहे? या इक्वालंट सर्किट मध्ये जो हा आर ए होता तो आपण काय केलाय, काढून टाकलेला, रिमूव्ह कर दिया है हमने उसको आर्मेचर रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे सिर्फ सिंक्रोनस रिएक्टन्स दिखाया है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वो नेग्लिजिबल होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस से, ठीक है? तो वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो ये आपका इक्वलेंट सर्किट बन जाएगा अभी, और ये उसका फेजर डायग्राम बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फेजर डायग्राम में क्या चेंज हो गया अभी, ये जो आई ए एक्सेस का फेजर है और आई ए आर ए का जो फेजर है वो ये फेजर डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आई ए जेड एस आई ए आर ए और ये है आपका आई ए एक्सेस. तो इसमें आई ए आर ए का जो ड्रॉप था वो यहां से फेजर डायग्राम से भी वो हमने उसको निकाल दिया है, ठीक है? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं रहेगा वहां पे, तो वहां पे ड्रॉप भी नहीं होगा आपके आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ सिंक्रोनस रिएक्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो दिखाया है आई ए एक्सेस, ठीक है? ये आई ए एक्सेस का फेजर है, क्लियर है? नाउ so hence the equivalent circuit for the motor becomes like this, right? So from the phasor diagram, ये phasor diagram से हम it is seen that क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो triangle है, ठीक है, ये triangle में आपको क्या दिख रहा है, ये ए बी साइड है, ठीक है? सो ए बी इज इक्वल टू ई बी, ठीक है, ई बी, ई बी यानी ये है आपका phasor. सो ई बी साइन अल्फा, ये अल्फा एंगल है आपका, जो ई बी एंड ये वी में जो एंगल है वो है आपका अल्फा, जिसको हम लोड एंगल बोले थे, ठीक है? समझ लो, उन्होंने ए बी चा फॉर्मूला काय लिहू शकतो आपण, ई बी साइन ऑफ अल्फा, ई बी साइन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू आय ए एक्सेस इंटू कॉस वाय, आय ए एक्सेस इंटू कॉस वाय, ठीक है? हा फॉर्मुला लिहिता येईल आपल्याला ए बी साठी. त्याच्यावरून आपण दोन्ही साइडला जर व्ही न मल्टिप्लाय केलं या इक्वेशनच्या, तर इक्वेशन काय बनल बघा, बघ, व्ही आय ए एक्सेस कॉस फाय
ये तो वी ना मल्टीप्लाई किया, सो वी आई एक एक्सेस कॉस पाई, और यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई किया तो ई बी वी साइन अल्फा आई, ठीक है। लेकिन वी आई ए कॉस फाई ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, मोटर पावर इनपुट पर फेज का होता है, ठीक है। तो यहां से मोटर पावर इनपुट पर फेज को हम पी इन से भी नोट करेंगे यहां पे, सो पी इन इज इक्वल टू ईबीवी डिवाइडेड बाय एक्सेस, ठीक है, ईबीवी डिवाइडेड बाय एक्सेस इनटू साइन अल्फा, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन इनपुट पावर के लिए, ठीक है। तो इससे इनपुट पावर क्या बन जाएगी, थ्री फेज के लिए ये पर फेज के लिए रहेगी और वैल्यू, और ये थ्री फेज के लिए रहेगी। तो यहां से थ्री फेज के लिए आपको यहाँ पे आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा, सो पी इनपुट इज इक्वल टू थ्री ई बी वी डिवाइडेड बाय एक्सेस इनटू साइन अल्फा। सो सिंस द स्टेटर कॉपर लॉसेस हैव बीन नेग्लेक्टेड, इनपुट पावर यानी पी इन ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द मोटर। यहाँ पे आपके कॉपर लॉसेज जो है वो निग्लेक्ट किए हैं, तो इसकी वजह से जो इनपुट पावर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वहां की ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप कर रहा है मोटर, उसको वो इनपुट पावर रिप्रेजेंट करेगी। सो इसका मतलब होता है मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप कर रहा है मोटर और इनपुट पावर यहाँ पे इक्वल बन जाएंगे, सो पी एम इज इक्वल टू पी इन इज इक्वल टू थ्री ई बी वी डिवाइडेड बाई एक्सेस इंटू साइन अल्फा बन जाएगा फॉर्मूला अपना। लेकिन ग्रॉस टॉर्क का फॉर्मूला जो है, द ग्रॉस टॉर्क डेवलप बाय द मोटर, उसका फॉर्मूला है टीजी इज इक्वल टू 9.55 इंटू पीएम डिवाइडेड बाय एनएस न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, और यहाँ पे एनएस आपकी आरपीएम में रहेगी, रिवोल्यूशन पर मिनट में रहेगी स्पीड, ठीक है। तो टीजी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, 9.55 पीएम डिवाइडेड बाय एनएस, सो 9.55 इंटू पीएम का फॉर्मूला ये है अपना, सो थ्री ई बी वी डिवाइडेड बाय ये एन एस एज इट इज रहेगा और ये यहाँ का एक्सेस, सो एन एस इंटू एक्सेस इंटू साइन अल्फा, और इसको कैलकुलेट करोगे आप 9.55 इंटू थ्री को, तो ये आएगा आपका 28.65 इंटू ई बी वी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एन एस इंटू एक्सेस न्यूटन मीटर। सो दिस इज द पावर डेवलप बाय द सिंक्रोनस मोटर, क्लियर है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द मोटर जिसको बोलते हैं, ये उसका फाइनल डेरिवेशन, ठीक है, समझ में आया डेरिवेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोटर ऑन लोड विथ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन, मोटर को हमें लोड देना है लेकिन वहां पे एक्साइटेशन आपको कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, आपका एक्साइटेशन यानी सप्लाई जो दे रहे हैं आप वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए और तब हमें आपको मोटर को अपने लोड देना है। सो मोटर ऑन लोड विथ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन, ठीक है। सो इन अ सिंक्रोनस मशीन अ बैक ईएमएफ ईबी एज लाइक डीसी मोटर इज सेटअप, हमें मालूम है कि सिंक्रोनस मशीन भी वहां मशीन में भी वहां पे एक बैक ईएमएफ सेटअप किया जाता है आर्मेचर में यानी स्टेटर में बाय द रोटर फ्लक्स विच अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज वी, ठीक है, वहां पे बैक ईएमएफ सेटअप होता है आर्मेचर में या फिर स्टेटर में, और वो किसकी वजह से होता है, रोटर फ्लक्स जो अपोज करता है वहां के अप्लाइड वोल्टेज को, उसकी वजह से वहां पे आर्मेचर में या फिर स्टेटर में आपका बैक ईएमएफ सेटअप किया जाता है, ठीक है, समझ लो। सिंक्रोनस मोटर मध्ये सुद्धा एक बैक ईएमएफ तिथे सेटअप केलं जातं आर्मेचर मध्ये किंवा स्टेटर मध्ये, हे कशामुळे होतं, कारण तिथलं रोटर फ्लक्स हे इथल्या अप्लाइड वोल्टेजला काय करतो, अपोज करतो, ठीक है, जस डीसी मोटर मध्ये सुद्धा होतो। सो दिस बैक ईएमएफ डिपेंड्स ऑन रोटर एक्साइटेशन ओनली, ये बैक ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड होता है आपके, रोटर एक्साइटेशन पे, नॉट ऑन स्पीड एज इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जैसे स्पीड पे वो डिपेंड होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता है, वो सिर्फ यहाँ पे किस पे डिपेंड होता है, वो रोटर एक्साइटेशन पे। बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड होता है, रोटर एक्साइटेशन पे। डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था अपना, ईबी इज इक्वल टू पी फाई एन जेड डिवाइडेड बाई 60 ए, राइट, तो यहाँ वहां पे स्पीड पे भी डिपेंड होता है बैक ईएमएफ, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में वो सिर्फ
रोटर एक्साइटेशन पे ही डिपेंड होता है. नाउ द नेट वोल्टेज इन आर्मेचर और स्टेटर इज द वेक्टर डिफरेंस, नॉट अरिथमेटिकल. ठीक है, जो नेट वोल्टेज होता है आर्मेचर में या स्टेटर में वो वेक्टर डिफरेंस होता है, अरिथमेटिकल डिफरेंस नहीं, वेक्टर डिफरेंस होता है. ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिकल डीसी मोटर में होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिफरेंस होता है, वेक्टर डिफरेंस होता है ऑफ वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ. ठीक है, नेट वोल्टेज जो होता है यहाँ पे स्टेटर में या फिर आर्मेचर में वो वेक्टर डिफरेंस है वहां के वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ का, अरिथमेटिकल डिफरेंस नहीं है. अरिथमेटिकल डिफरेंस डीसी मोटर में होता है. ठीक है, सो द आर्मेचर समझ लो पॉइंट कि नेट वोल्टेज जो है आर्मेचर मतलब तो वेक्टर डिफरेंस आहे वोल्टेज आणि बॅक ईएमएफचं, आणि डीसी मोटर मध्ये तो अरिथमेटिकल डिफरन्स असतो. ठीक आहे, सो आर्मेचर करंट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग दिस वेक्टर डिफरन्स ऑफ वोल्टेज बाय आर्मेचर इम्पीडन्स. आर्मेचर करंट मग आपण तिथं ऑब्टेन करू शकतो या वेक्टर डिफरन्स जो आहे वोल्टेजचा त्याला आपल्याला आर्मेचर इम्पीडन्स न डिवाइड करायचं आहे. ठीक आहे, जो वेक्टर डिफरन्स आहे व्होल्टेजेसचा त्याला आपल्याला आर्मेचर इम्पिडन्स न जर डिवाइड केलं आपण तर तिथं आपल्याला आर्मेचर करंट ऑब्टेन करता येतो. ठीक आहे, नॉट रेजिस्टन्स एज इन डीसी मशीन्स. सो फिगर हियर 36.6 शोज द कंडीशन व्हेन द मोटर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज टू द सप्लाय. ये यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है ये, ठीक है, ये उस कंडीशन के लिए है जब मोटर आपकी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज की है सप्लाई से एंड इज रनिंग ऑन नो लोड, और वो रन हो रही है नो लोड पे एंड हैज नो लॉसेस, उसमें कोई भी लॉसेस नहीं है एंड इज हैविंग फिक्स्ड एक्साइटेशन. उसका एक्साइटेशन फिक्स्ड है विच मेक्स ईबी इज इक्वल टू ही. ठीक है, नो लोड पे रन हो रही है मोटर, उसमें लॉसेस नहीं है और उसका एक्साइटेशन भी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, बैक ईएमएफ एंड सप्लाई वोल्टेज आपका इक्वल में आ जाएगा. ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ का फेजर है और ये वोल्टेज का फेजर है, तो ये इक्वल में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये वोल्टेज का फेजर है, साइन वेव दिखाई है, और ये बैक ईएमएफ की साइन वेव दिखाई है. ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट. सो इट इज सीन दैट द वेक्टर डिफरेंस ऑफ ईबी एंड वी इज जीरो. ये दोनों का जो वेक्टर डिफरेंस रहेगा वो एग्जैक्टली जीरो होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्शन में भी दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे से अपोजिट में, तो वेक्टर डिफरेंस डायरेक्टली आपको जीरो आ जाएगा. एंड सो द आर्मेचर, सो इज द आर्मेचर करंट. ठीक है, आर्मेचर करंट भी वहां पे अपना जीरो मिल जाएगा. ठीक है, इट इज सीन दैट द वेक्टर डिफरेंस ऑफ ईबी एंड वी इज जीरो एंड इज सो इज द आर्मेचर करंट. ठीक है, सो मोटर इंटेक इज जीरो. मोटर का इंटेक कितना बन जाएगा, अगर आर्मेचर करंट जीरो हो रहा है तो मोटर का इंटेक भी जीरो बन जाएगा. सो एज देयर इज नाइदर लोड नॉर लॉसेस टू बी मेड बाय, क्योंकि वहां पे लोड भी कनेक्टेड नहीं है और वो मोटर में आपके लॉसेस भी नहीं हो रहे हैं मोटर. ठीक है, तो मोटर का इंटेक भी वहां पे जीरो बन जाएगा, समझ लो. ठीक है, जो वेक्टर डिफरेंस आहे तो ई बी आणि व्ही चा तो जीरो असणार आहे, त्यामुळे आर्मेचर करंट सुद्धा जीरो असणार आहे, त्यामुळे मोटर इंटेक सुद्धा जीरो असणार आहे, कारण तिथं मोटरला आपण लोड पण कनेक्ट केलेला नाहीये आणि तिथं लॉसेस पण मेट होणार नाहीयेत मोटर मध्ये. ठीक आहे, सो इन अदर वर्ड्स मोटर जस्ट फ्लोट्स. दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, की मोटर फक्त इथं फ्लोट होते. ठीक आहे, मोटर जस्ट फ्लोट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इफ मोटर इज ऑन नो लोड, जो मोटर आपकी नो लोड पे रहेगी बट इट हैज लॉसेस, अभी इसमें लॉसेस हो रहे हैं, देन द वेक्टर फॉर ईबी फॉल्स बैक. तब आपका जो वेक्टर रहेगा ईबी का वो फॉल्स बैक में आएगा. वेक्टर्स आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि फेजर जो होता है वेक्टर यानी फेजर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होता है, तो ईबी जो है ये ईबी का फेजर वो फॉल बैक में आ जाएगा. ठीक है, बाय अ सर्टन एंगल. कितने एंगल से फॉल बैक में आएगा, अल्फा इतने एंगल से. ठीक है, ठीक है, जेव्हा मोटरला पण लोड कनेक्ट केलेला नाहीये या कंडिशन मध्ये पण आता मोटर मध्ये काय होत आहेत, लॉसेस होत आहेत, तेव्हा तो जो वेक्टर आहे ईबीचा, हा जो वेक्टर आहे ईबीचा तो फॉल बॅक मध्ये असणार आहे, कारण फेजर हा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होत असतो, माहिती आहे आपल्याला.
आणि हा ईबी हा फॉल बॅक अप मध्ये असणारा एक सर्टन अँगल ना, आणि तो अँगल आहे आपला अल्फा. सो दॅट द रिझल्टंट व्होल्टेज ई आर अँड हेन्स करंट आय ए इज ब्रॉट इन टू एक्झिस्टन्स. त्यामुळे रिझल्टंट जो व्होल्टेज आहे आपला ई आर आणि तिथला आर्मेचर करंट जो आहे आय ए हे एक्झिस्टन्स मध्ये येतील इथं आता अँड विच सप्लाय द लॉसेस. आणि हे काय करतील तिथं लॉसेसला सप्लाय करतील, लॉसेस सप्लाय करतील. ठीक आहे, म्हणून इथं आय ए सा फेजर हा ईबीच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन दाखवलाय ना. हा व्होल्टेज रिझल्टंट व्होल्टेज ई आर चा फेजर आहे आपला. ई आर मध्ये आणि आय ए मध्ये अँगल आहे आपला थीटा, आणि आय ए आणि व्ही मध्ये अँगल आहे आपला फाय. ठीक आहे, अँगल लक्षात ठेवा. दिस इज द फेजर डायग्राम वेन द मोटर इज ऑन नो लोड बट इट हैज लॉसेस. ठीक है, समझ में आया. देन नेक्स्ट अभी यहां पे दिखाया है फिर से थर्ड फेजर डायग्राम दिखाइए. इफ नाउ द मोटर इज लोडेड, अभी मोटर को क्या करना है, आपको लोड देना है. देन इट्स रोटर विल फर्दर फॉल बैक इन फेज बाय अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज लोड एंगल और कपलिंग एंगल. ठीक है, अभी मोटर को हमें लोड देना है तो जो रोटर है वो फर्दर फॉल बैक में आएगा इन फेज में बाय अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा से. ठीक है, रोटर फर्दर आपका फॉल बैक में आएगा इन फेज में ग्रेटर वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा से. ठीक है, जिसको बोलते हैं लोड एंगल और कपलिंग एंगल. तो यहां पे दिख रहा है अभी ये ईबी का फेजर है आपका. ठीक है, इस ये ई आर का फेजर है, ये आई ए का फेजर है. ठीक है, ये वी का फेजर है. ठीक है, अभी ये ईबी जो है वो यहां पे देखो, ये एंगल आपका जो है वो अल्फा है. ठीक है, ये एंगल कितना है आपका थीटा है ई आर एंड आई ए में, और वी एंड आई ए में एंगल कितना है आपका फाय है, और ये भी एंगल आपका रहेगा फाय. ठीक है, तो ये अल्फा जो एंगल है वो लार्ज ग्रेटर वैल्यू बन गई इसकी, क्योंकि रोटर फॉल बैक में फर्दर फॉल बैक में जाएगा इन फेज में, क्योंकि हमें हमने क्या किया है अभी मोटर को लोड दिया है. ठीक है, मोटरला लोड दिल्यामुळे रोटर हा फर्दर फॉल बैक मध्ये जाईल इन फेज मध्ये ग्रेटर वैल्यू ऑफ एंगल अल्फाचं. ठीक है, ग्रेटर वैल्यू जी है एंगल अल्फाची तेवढ्या एंगल न तो रोटर फर्दर फॉल बैक मध्ये जाणार आहे इन फेज मध्ये, आणि त्या अँगल अल्फालाच नाव दिलंय आपण लोड अँगल किंवा कपलिंग अँगल. नाउ द रिझल्टंट व्होल्टेज ई आर इज इन्क्रीज अँड मोटर ड्रॉज अँड इन्क्रीज्ड आर्मेचर करंट. ठीक आहे, रिझल्टंट व्होल्टेज ई आर हे काय होणार आहे आपलं इन्क्रीज होणार आहे, आणि मोटर ड्रॉज अँड इन्क्रीज्ड आर्मेचर करंट. मोटर काय करेल तिथं इन्क्रीज्ड आर्मेचर करंट ड्रॉ करेल दो ऍट अ स्लाइटली डिक्रीज पॉवर फॅक्टर, पण त्यावेळेस मोटरचा पॉवर फॅक्टर जो आहे तो काय होईल स्लाइटली डिक्रीज होईल. ठीक आहे, कारण मोटरला लोड दिलेला आहे आपण. ठीक आहे, समज में आया. रिझल्टंट व्होल्टेज ई आर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा और मोटर वहां पे इंक्रीज आर्मेचर करंट को ड्रॉ करेगी, बट वहां पे पॉवर फैक्टर जो है मोटर का वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका मोटर ऑन लोड विथ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन. यहाँ पे तीन कंडीशन देखे हमने. एक तो हमने फर्स्ट कंडीशन में बोला कि मोटर को नो लोड कनेक्ट करना है और प्रोसेस भी नहीं है, तब ई बी एंड वी आपके इन फेज में आ गए. ठीक है, यानी वेक्टर डिफरेंस दोनों में आपका जीरो बन जाएगा, तो उसकी वजह से आर्मेचर करंट भी जीरो बन जाएगा और मोटर का इंटेक भी आपका जीरो बन जाएगा. दूसरे केस में हमने बोला कि मोटर को फिर से हमें नो लोड पे ही कनेक्ट करना है, लोड नहीं कनेक्ट करना है मोटर को, लेकिन उसमें लॉसेस हो रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आपका फॉल बैक में आएगा सर्टन एंगल अल्फा से, तो उसकी वजह से वहां पे रिजल्टेंट वोल्टेज ई आर एंड आई ए का करंट वहां पे एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, जो कि वहां पे लॉसेस को सप्लाई करते हैं. ठीक है, थर्ड केस में हमने बोला कि मोटर को हमें लोड कनेक्ट करना है, तो उसकी वजह से जो रोटर है वो फर्दर फॉल बैक में जाएगा इन फेज में एक ग्रेटर एंगल वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा से. ठीक है, और अल्फा को क्या बोलते हैं वहां पे लोड एंगल और कपलिंग एंगल, तो उसकी वजह से रिजल्टेंट वोल्टेज वहां पे इंक्रीज हो जाएगा और मोटर जो ड्रॉ कर रही है
आर्मेचर करंट वो भी इंक्रीज ड्रॉ करेगी, ठीक है। मोटर वहां पे इंक्रीज आर्मेचर करंट को ड्रॉ करेगी, लेकिन वहां का पावर फैक्टर जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मोटर ऑन लोड विथ कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन, ठीक। तो पावर एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या, वो उसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, देखो द सिंक्रोनस मोटर रोटेट्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड। हमें तो मालूम है कि सिंक्रोनस मोटर रोटेट होता है सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन वर्किंग प्रिंसिपल मध्ये अपन सांगितले की सिंक्रोनस मोटर ही ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड वरतीच रोटेट होत असते, बट इंक्रीज इन शाफ्ट लोड कॉजेस द रोटर मॅग्नेट टू चेंज इट्स अँग्युलर पोझिशन। पण जे इन्क्रीज होतंय शाफ्ट लोड मध्ये, बट इन्क्रीज इन शाफ्ट लोड कॉजेस द रोटर मॅग्नेट, शाफ्ट लोड मध्ये इन्क्रीज झाल्यामुळं रोटरचं मॅग्नेट ही त्याची पोझिशन अँग्युलर पोझिशन काय करतं, चेंज करतं विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर बाय अन इलेक्ट्रिकल अँगल डेल्टा, ठीक। तिथं शाफ्ट लोड इन्क्रीज झाल्यामुळं रोटर मॅग्नेट जे आहे त्याची अँग्युलर पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटरची अँग्युलर पोझिशन काय करतं, ते चेंज करतात, किती अँगल न चेंज करतं, बाय इलेक्ट्रिकल अँगल डेल्टा, अँड धिस अँगल इज कॉल्ड ॲज पॉवर अँगल ऑर लोड अँगल ऑर टॉर्क अँगल। त्याच अँगलला काय म्हणतो आपण, पॉवर अँगल किंवा लोड अँगल किंवा टॉर्क अँगल, ठीक आहे, समजलं। सो ये है आपका पावर एंगल का डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड कंडीशन, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड कंडीशन। नाउ लेट अस सी द परफॉर्मेंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड आफ्टर कंसिडरिंग द लॉसेस इन द मोटर। अभी हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस जो है सिंक्रोनस मोटर का वो कंसिडर करना है नो लोड का, जब वहां पे हम मोटर में क्या कर रहे हैं, लॉसेस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हा पहिला पॉइंट सांगितलं आपण, सिंक्रोनस मोटर ऍट नो लोड कंडिशन मध्ये तो परफॉर्मन्स आहे सिंक्रोनस मोटरचा नो लोड वरती, तो आपल्याला इथं पाहायचा, आणि इथं आपल्याला मोटर मध्ये जे लॉसेस होतात त्याला सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करायचं। सो व्हेन द मॅग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर टेक्स प्लेस, जेव्हा तिथं स्टेटर आणि रोटर मध्ये जी मॅग्नेटिक लॉकिंग होते तेव्हा द मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द स्टेटर अँड रोटर डू नॉट कोइन्साइड, त्यावेळेस जे मॅग्नेटिक ऍक्सिस असतात स्टेटर आणि रोटरचे ते कोइन्साइड होत नाही, ठीक आहे। जेव्हा मॅग्नेटिक लॉकिंग होत असते स्टेटर आणि रोटर मध्ये तेव्हा तिथं मॅग्नेटिक ऍक्सिस जो आहे स्टेटर आणि रोटरचा ते कोइन्साइड होत नाही, देअर विल बी अ सम अँग्युलर डिफरन्स बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर मॅग्नेटिक ऍक्सिस। त्या स्टेटर आणि रोटर मॅग्नेटिक ऍक्सिस मध्ये काहीतरी अँग्युलर डिफरन्स असणार आहे, ज्याला आपण लोड अँगल म्हटलेलं आहे डेल्टा किंवा पॉवर अँगल म्हटलेलं आहे, याच्या अगोदरची डेफिनेशन जी पाहिली होती आपण ती, ठीक आहे, ही डेफिनेशन। तर त्यामुळं नो लोड कंडिशनला मॅग्नेटिक ऍक्सिस जे आहे इथं दाखवलेले डायग्राम मध्ये मॅग्नेटिक ऍक्सिस जे आहे स्टेटर आणि रोटरचा ते कोइन्साइड होत आहेत एकमेकांसोबत, ठीक आहे, आणि म्हणून व्हीपी आणि ईपी हे एकमेकांच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये दाखवलेले, आणि व्हीपी ची व्हॅल्यू ही ईपी च्या इक्वल मध्ये असेल, ठीक आहे, क्लिअर आहे। सो हियर नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण की जो मॅग्नेटिक लॉकिंग होत आहे आपके स्टेटर अँड रोटर मे उसकी वो होने के बाद वहां पे जो मैग्नेटिक एक्सिस है आपके स्टेटर एंड रोटर के वो कोइंसाइड नहीं होते हैं, और तब आपका जो स्टेटर एंड रोटर के मैग्नेटिक एक्सिस है उसमें कुछ तो भी आपका एंगुलर डिफरेंस रहता है वहां पे, वो एंगुलर डिफरेंस को हमने लोड एंगल बोला है, ठीक है, या फिर पावर एंगल बोला है, ठीक है, समझ में आया। तो पहले तो नो लोड कंडीशन में ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि नो लोड कंडीशन पे मैग्नेटिक एक्सिस जो है स्टेटर एंड रोटर का वो कोइंसाइड होते हैं एक दूसरे से, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड वाइज वीपी एंड ईपी वहां पे इक्वल में आते हैं क्योंकि वो फेज अपोजिशन में होते हैं, तो यहाँ पे वीपी का फेजर इधर है और ईपी का फेजर इधर है और ये इक्वल दिखाए यहाँ पे,
और बाद में क्या होता है कि नाउ लेट अस सी द परफॉर्मेंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड आफ्टर कंसिडरिंग द लॉसेस इन द मोटर। ठीक है, हमें परफॉर्मेंस जो है सिंक्रोनस मोटर का वो कंसिडर करना है नो लोड का, लेकिन हमें अभी मोटर में जो लॉसेस हो रहे हैं उनको कंसिडर करना है। जब लॉसेस कंसिडर करते हैं तब जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है स्टेटर एंड रोटर में, उसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है स्टेटर एंड रोटर का वो कोइंसाइड नहीं होते हैं। बस यहाँ पे कोइंसाइड होते हैं जब हम वहां पे लॉसेस नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, और बाद में लॉसेस कंसिडर करने के बाद स्टेटर एंड रोटर के मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड वहां पे नहीं होते हैं, तो जो भी स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक एक्सिस है उसमें कुछ तो भी एंगुलर डिफरेंस होता है आपका डेल्टा, जिसको हमने लोड एंगल बोला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर है नो लोड कंडीशन। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, याच्यामध्ये काही डाउट आहे सिंक्रोनस मोटर ऍट नो लोड कंडिशन मध्ये? ओके, वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच।